चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह की दरगाह पर चंद्र दर्शन के मौके पर जायरीनों का सैलाब उमड़ा। साथ ही चंद्र दर्शन होते ही सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया कि देश के विभिन्न कोनों से आए जायरीनों ने देश में अमन चैन की दुआ की, तो वहीं मेला ग्राउंड में लगी दुकानों से भी जायरीनों ने जमकर खरीदारी की। बूंदी के नैनवा में शिक्षकों के बीच चल रहे विवाद से परेशान होकर विद्यार्थियों ने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ताला लगा दिया, जिसके बाद अभिभावक भी विद्यालय पहुंचे और शैक्षिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाकर धरना देकर बैठ गए। सूचना पर कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालय आए तो प्रधान अध्यापक को बदलने, एसएमसी के दोबारा चुनाव कराने सहित अन्य मांगों को लेकर अधिकारियों के सामने रोष प्रकट किया। अलवर के बहरोड में देर रात से ही हल्की हवा के साथ कोहरे ने दस्तक दी है। घना कोहरा होने के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे 8 पर वाहन रेंगते नजर आए। वहीं कोहरे के कारण आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में बागड़ संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली पर 12 बीज का मेला सम्पन्न हुआ, जहाँ गिरवरगिरी महाराज ने नए शिष्यों को गुरु दक्षिणा दी। साथ ही अजमलगिरी, नारायणगिरी, पोपटगिरी के सानिध्य में हरि महाराज व गणपत गिरी महाराज की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। झुंझुनू के पिलानी में देवरोड पिलानी मार्ग के बीच एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डंफर ने ट्रैक्टर ट्रॉले के पीछे से टक्कर मारी। हादसे के बाद मृतक के शव को मुश्किल से बाहर निकाला गया। सिरोही के रेवदर में मंडार के समीपवर्ती गांव सोरडा में खेत पर बने झोपड़े में आग लगने से 5 मवेशी जल गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मंत्री सुरेंद्र गोयल ने स्वागत सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास के कार्यों में जारी किए जा रहे बजट का पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि ईमानदारी के साथ सदुपयोग करेंगे और पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कराएंगे, तब जाकर ग्रामीण विकास का स्वप्न साकार होगा। उदयपुर के कानोड में निकटवर्ती सारकपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रायजी का खेड़ा में खेत में पैंथर देखा गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि किसान पैंथर के हमले से बच गया। साथ ही इस दौरान आसपास खेतों में काम कर रहे किसान लक्ष्य लेकर दौड़े, फिर पैंथर आने की सूचना सरपंच ने वन विभाग की टीम को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर पैंथर के पग मार दिए। चूरू के तारानगर में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ी है। कोहरे के कारण सर्दी में इजाफा हुआ है। जोधपुर के शेरगढ़ में एसबीबीजे बैंक के बाहर लोगों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा टेंट लगाया गया है, ताकि लोगों को दिन में छाया मिल सके और रात्रि में विश्राम कर सके। वहीं बैंक के आगे पानी की भी व्यवस्था की गई है। बैंक द्वारा पेंशनर्स व बुजुर्गों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था भी की गई, लेकिन एटीएम से लोगों को मात्र 2000 रुपए ही मिल रहे हैं, जिससे कर्मचारी वेतन व पेंशनर पेंशन के लिए व अन्य लोग पैसों के लिए परेशान नजर आए हैं। हालांकि बैंकों के आगे कतारें अब छोटी होने लगी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर के जन्मदिन पर विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को चारा डाला और अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए। वहीं महादेव मंदिर में विधायक की दीर्घायु होने के लिए अभिषेक भी करवाया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में डॉक्टर शिव मुनि ने दुनिया के हर जीव को जानने की आवश्यकता की बात कही, साथ ही शुद्ध आत्मचिंतन से राग का भाव कम होने की बात कही। वहीं आचार्य डॉक्टर शिवमुनि ने ध्यान योग शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा अमर होती है, वो कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। अब एक साथ 2 ग्रिडों को 1400 मेगावाट बिजली मिलेगी। राजस्थान परमाणु बिजली घर निर्माणाधीन 7वीं आठवीं इकाई से 2 ग्रिडों में बिजली का आदान किया जाएगा। ये सुरक्षा और तकनीकी दृष्टि से नया प्रयोग है, इससे फ्रीक्वेंसी उतार चढ़ाव का खतरा नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ के राशमी में स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में मंगलेश्वर महादेव के कार्यकर्ताओं से भगवान मंगलेश्वर महादेव का अभिषेक किया। उसके बाद पंचायत समिति सभा कक्ष में ब्लॉक अधिकारियों, पंचायत समिति सदस्यों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटकर जन्मदिन मनाया। चूरू के छापर में वार्ड नंबर 17 में गंदे पानी की निकासी को लेकर लोगों के आक्रोश को देखते हुए पालिका ने वार्ड के मुख्य रास्ते पर फैले गंदे पानी को टैंकर से हटवाया। वहीं आम रास्ते पर आक्रोशित लोगों की ओर से डाली गई मिट्टी को भी हटवाया गया।
अजमेर के ब्यावर में सर्दी के मद्देनजर खुले स्थान पर रहने वाले बेघर परिवारों और लोगों के लिए सर्दी से बचाव और रात्रि विश्राम के लिए नगर परिषद ब्यावर द्वारा अस्थायी रैन बसेरे स्थापित किए गए। वहीं आयुक्त नगर परिषद पीयूष सामरिया के अनुसार अस्थायी रैन बसेरे विदाम देवी बुरड धर्मशाला रेलवे स्टेशन रोड और श्री चांदमल मोदी पुस्तकालय नेहरू भवन के पास स्थापित किए गए। दूसरी ओर नगर परिषद के ओएस दुर्गालाल जागृत ने बताया कि परिषद की ओर से स्थापित किए गए अस्थायी रैन बसेरों वालों के लिए रजाई बिस्तर सहित कोयलों की व्यवस्था की गई। जालौर के चितलवाना क्षेत्र के खेतों में बिना घर के ही बिजली कनेक्शन जारी कर दिए, जिससे रसूखदार किसान नर्मदा नहर से पानी चोरी कर रहे हैं। भरतपुर के नगर में एसडीएम ने नगर पालिका को कस्बे के चूड़ी बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखे दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जयपुर के सांभर लेक में लंबे समय के इंतजार के बाद राजस्व अपील कैंप कोर्ट की शुरुआत की गई। इस मौके पर विधायक निर्मल कुमावत और राजस्व अपील अधिकारी सेवाराम स्वामी ने कहा कि कोर्ट का शुभारंभ होने से जनता के समय व धन की बचत होगी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र की 5 पंचायतों में अब गौरव पथ सड़कें बनेंगी। बामड़िया, मेघराज, कुंडिया कला, चमनपुरा तथा बरण में ये सड़कें बनाई जाएंगी। भरतपुर के पहाड़ी में नहर में पानी छुड़वाने की मांग किसानों ने करते हुए जाम लगा दिया। कठौल गांव पर जाम लगाया गया, किसानों की फसल इससे सूख रही है, जिससे फसल के प्रति उनकी चिंता बनी। जयपुर के सांभर लेक में बीती रात चोरों ने 4 दुकानों से नकदी और माल पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। झालावाड़ के खानपुर में बकानी अम्बेडकर स्वच्छता छात्रावास बदहाल है। कीड़े युक्त आटे और पानी जैसा दूध यहाँ मिला है, साथ ही चावल में कीड़े निकलने की बात बच्चों ने कही। झालावाड़ के झालरापाटन में उपभोक्ताओं को बीएसएनएल की लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के घरसाना में कृषि भूमि बेचने के नाम पर 10.5 लाख रुपए ठगने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार करीब 3 माह पहले दर्ज मामले में पवन कुमार गुरनाम सिंह को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में बताया कि बाद में पता चला है कि उसकी जमीन किसी और की है। आरोपियों ने धोखे में रखकर उसके रुपए हड़प लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया। नागौर के लाडनू में जीटीओ ऑफिस के सामने ओवरलोड वाहनों की जांच के दौरान 3-4 लोगों ने उप निरीक्षक की गाड़ी से 1.5 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार उप निरीक्षक पंकज शर्मा ने रिपोर्ट दी कि ओवरलोड वाहनों को जांच रहे थे, उसी दौरान लाडनू की तरफ से आए ट्रक को रुकवाया और कागज बिल्ची लाने को कहा। रात करीब 2 बजे ठाकुर होटल के काउंटर पर बैठे कुछ लड़के भाग कर आए और छीना झपटी करने लगे। इन्होंने अटैची में से जुर्माना राशि के 1,51,900 रुपए निकाले और वहां से भाग निकले। झालावाड़ के अकलेरा में बारा झालावाड़ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 90 पर सारथल के समीप पुलिया के अभाव में बारिश के दौरान परेशान होने वाले राहगीरों की जल्द अब राह आसान होगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सारथल पुलिया हाई लेवल ब्रिज निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। नागौर के लाडनू में पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी कार भी जब्त की गई। झालावाड़ के मनोर थाना कस्बे में कई जगहों पर बड़ी गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं। सफाई के अभाव में कई जगहों पर कचरा फैला है। बस स्टैंड, स्कूल आदि जगह पर गंदगी फैली हुई है। नागौर की जायल पंचायत समिति में पंचायत चाऊ की 200 ढाणियों को विद्युतीकरण करवाने के लिए संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई से ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष सुरेश चारण ने मुलाकात की। संसदीय सचिव को अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत चाऊ में 200 ढाणियां बिजली से वंचित हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।